नागपुर में पिछले 4 दिनों से तापमान बढ़ गया है। नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग ने भारत के उत्तर पश्चिम से मुख्य रूप से राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं के कारण नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग ने आज से अगले 2 दिनों के लिए नागपुर में भीषण गर्मी की चेतावनी दी है। नागपुर की गर्मी से अब नागपुरवासी हैरान हो गए हैं। पिछले 2 दिनों से नागपुर में तापमान बढ़ गया है, जबकि नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में तापमान और बढ़ने की जानकारी दी है। इसीलिए नागपुर में अगले 5 दिनों तक गर्म रहने की संभावना है। नागपुर क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार नागपुर, अकोला और बुलढाणा जिलों में भी तापमान बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए मौसम विभाग ने भी नागरिकों को ऐसे निर्देश दिए हैं कि वे धूप में 12 से 4 बजे के दौरान बेवजह घर से न बाहर निकले। नागपुर जिला प्रशासन को भी नागरिकों को धूप से बचाना चाहिए और छाया में आश्रय लेना चाहिए। अपील है कि जरूरत पड़ने पर ही पूरी सावधानी से घर से बाहर निकले। लोग खुद को धूप से बचाने के लिए तरह तरह के शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं और व्यापारी खुद को धूप से बचाने के लिए दुकानों में ग्रीन नेटिंग शेड लगाते नजर आ रहे हैं। छाया और ठंडक प्रदान करने के लिए नागरिकों ने अपने अपने घरों में हरे रंग के जाल लगा लिए हैं। गर्मी बढ़ना शुरू हो गया, पिछले 24 घंटे में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान में वृद्धि हो गई है और कुछ स्थान पे जो है तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। जैसे वर्धा 45 है, ब्रह्मपुरी 44.9 है और चंद्रपुर 44.6 है। ये सब लगभग 45 के आसपास है। तो और बाकी जगह में भी देखें तो अकोला, नागपुर ये सब 44 के आसपास चल रहे हैं। तो संभावना ये बन रही है कि अगले 5 दिन जो है विदर्भ में काफ़ी गर्मी रहेगी। हीट वेव की चेतावनी दी गई है आज से, और आज और कल जो है कुछ स्थानों पे हीट वेव की स्थिति रहेगी। अगले उसके बाद के 3 दिनों में कहीं कहीं पे हीट वेव की स्थिति रहेगी। अभी जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि वर्धा, चंद्रपुर, उसके बाद में अकोला, नागपुर, इन सब जगहों पे जो है टेम्परेचर 2-3 दिन में बढ़ के हीट वेव की स्थिति बन जाएगी। मुख्यतः कौन से जिले जिनमें टेम्परेचर में अचानक से वृद्धि हुई और बाकी कौन से जिले जो आने वाले दिनों में ये 45 का मार्क क्रॉस करेंगे? अभी जो मुख्य जो बढ़े हुआ है टेम्परेचर 45 के आसपास है वो 2 जिले हैं, वर्धा और चंद्रपुर, और आगे अकोला, नागपुर और बुलढाणा, ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पे 45 के आसपास टेम्परेचर जा सकता है। क्या मुख्य कारण है सर ये टेम्परेचर बढ़ने का? अभी जो है उत्तर भारत से जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं राजस्थान की तरफ से, वो ड्राई और हॉट एयर जो है वहाँ से आना शुरू हो गया है, और जो सेंट्रल इंडिया में विंड डिसकंटिन्यूटी थी जिसके कारण बंगाल खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा था वो कमज़ोर पड़ गया है और उसका असर कम हो गया है क्योंकि वो थोड़ा दक्षिण में भी चला गया, तो इसलिए उसका विदर्भ में उसका असर खत्म हो गया। आने वाले दिनों में कोई राहत की संभावना नहीं? अभी कोई संभावना नहीं है राहत की, अभी हीट वेव की चेतावनी अगले 5 दिन के लिए।